एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सेल्फ कट। देखिए, मैं आज मेरे बाल काफ़ी डैमेज हो गए हैं, देखिए थोड़े से बड़े भी हो गए हैं, तो उनमें पूछ भी निकल आई है। आप देख सकते हैं पीछे से मेरे बाल अभी किस तरह के बाल हैं। मैं आपको इसमें लुक डालना सिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आप घर बैठे हुए किस तरह से अपने बालों में लुक डाल सकते हैं ओनली 5 से 10 मिनट में। थोड़ा सा हो सकता है मैं थोड़ा सा स्पीड में करूं, आप थोड़ा स्लो करें, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में काफ़ी अच्छा हेयर कट और बालों का अच्छा सा स्टाइल बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। उसके पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दीजिए। घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए, मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे घंटी का बटन दबाने के लिए, वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे जो वीडियो है आपको बहुत आसानी से मिल सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने सुबह मॉर्निंग में वॉश किए थे बाल, आप देख सकते हो मेरे बाल किस तरह के हैं। मैं हमेशा सेल्फ कट करती हूँ, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि सेल्फ कट में किस तरह करती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका, मैं कुछ ज़्यादा मेरे बाल नहीं स्टेप वगैरह ऐसा कुछ नहीं काटती हूँ, बहुत ही सिंपल सा कट बता सकती हूँ, बताने जा रही हूँ। आप बाहर तो हमेशा ही कटवाते हो, लेकिन आपको अगर लग रहे हो कि मेरे बाल थोड़े से बढ़ गए हैं, नीचे पूछ निकल आई हैं, थोड़े डैमेज लग रहे हैं, तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। आप अपनी जो सेंटर मांग है वो निकाल लीजिए अच्छे से, बिल्कुल आपकी पीछे तक सेंटर मांग निकल जाना चाहिए, बिल्कुल निकल गई आपकी सेंटर मार्क। अब आपको नीचे आप एक कपड़ा बिछा लीजिए जिससे कि जो भी बाल हो इसके ऊपर गिरे, आपके कपड़े खराब नहीं हो। ये देखिए, ठीक है मेरे बाल अभी इस तरह के हैं। ओके, सबसे पहले तो अपने बाल गीले कर लीजिए स्प्रे से। बहुत अच्छे से गीले कर लिए आपने, अब आप ये अच्छे से कॉम्ब दोनों साइड में आपने खींच के बाल कर लिया है, ठीक है इस तरह से। और आपको अपने आगे दोनों हिस्से पकड़ने हैं, आपको बहुत टाइट पकड़ लीजिए। आप चाहें तो एक रबड़ भी लगा सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आए कट में तो आप एक रबड़ लगा दीजिए और इसको बराबर बैलेंस में काट दीजिए। देखा आपने, कट गए, देखिए बिल्कुल दोनों साइड में एकदम बराबर बाल हुए हैं, देख सकते हैं इधर भी और इधर भी। अगर आपको लग रहा है थोड़ा एक हाथ बाल अगर एक्स्ट्रा आपका निकल रहा हो, जैसे मेरा ये छोटा सा, और ये देखिए मेरे बराबर बाल हो गए, ठीक है। ये आप पीछे स्ट्रेट कट जो आप काटते हैं वो आ जाए, देखिए बराबर है, कुछ भी नहीं किया मैंने, ओनली आगे करके थोड़े से बाल गीले करके उनको टाइट पकड़ा था। बस पकड़ने का आपका जो तरीका है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कम होगा तो क्या होगा, बाल ऊँचे नीचे हो जाएंगे। अब ये हो गया मेरा पीछे का। अब मैं इसमें थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए बालों को क्या करूँगी, आपका कान का जो पार्टीशन है उसको आगे की वो निकाल दूँगी दोनों साइड से, दोनों कान का पार्टीशन निकाल दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आप ये देखिए, यहाँ से जो मैं कान का जो मेरा ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से मैं हल्का सा एक स्टेप उठाने वाली हूँ यू शेप में। आगे के बाल आप आगे निकाल दीजिए और पीछे यू शेप में, ठीक है मैंने ये यू शेप में बाल अपने ले लिए हैं। अब आप इसको ये
बिल्कुल आगे की ओर अच्छे से ले आइए, और आप इसको थोड़ा सा आप इसको टर्न कर लीजिए, ठीक है। टर्न करने के बाद आप इसको कट कर दीजिए। ये देखिए मैं किस तरह से उंगली पकड़े हुए, आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप इसको छोड़ दीजिए और आपका जो कट है वो रेडी है। देखिए पीछे का कट कितना इजी कट है। आप जैसे सेल्फ करना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब जो आपने कान का पार्टीशन छोड़ा हुआ है ये, ठीक है, कान का पार्टीशन, और इधर से भी आप कान का पार्टीशन निकाल लीजिए, ठीक है। आप दोनों पीछे के जो बाल हैं उनमें आप रबड़ लगा दीजिए, ये तो हो गई आपके पीछे की कटिंग। अब आपको आगे की कटिंग के लिए क्या करना है, पूरे बाल आप इस तरह से आपको दोनों साइड देखिए, आप मेरा बिल्कुल कान का पार्टीशन आ रहा है, और आप इस तरह से पूरे बालों को अच्छे से कंघी कर लीजिए। कंघी उसके बाद आप स्प्रे कर लीजिए, और आप इनको कट कर दीजिए। ठीक है, आपको तिरछी मांग में हेयर स्टाइल बनानी है तो आप हेयर स्टाइल किस तरह से करेंगे ले लिए। अब आप यहाँ से आधे वालों में से यू शेप उठा लेंगे, जैसे आपने अभी तो ये पूरे वालों का लिया है, अब आप आधे वालों का उठा लीजिए ये, और यहाँ से, ठीक है, आधे वालों का आ गया ये आपके बाद। आधे जो बाल है वो नीचे की साइड में आ गए हैं, वापस आप अच्छे से कॉम कर लीजिए, वापस स्प्रे कीजिए। मेरे अभी गीले हैं बाल, और फिर बाद में उन्हीं बालों को, आगे के बालों को थोड़ा सा और छोटा कट कर दूंगी एकदम सीधा ला के। आप सीधे में भी देख सकते हैं कटिंग, ठीक है, और आप इसको स्टाइल में भी कर सकते हैं। देखिए कितना सा प्यारा हेयर स्टाइल बना है, देख सकते हैं आप, और पीछे का भी कंप्लीट हो गया है। देखिए बिना मशीन लगाए मेरा हेयर कट किस तरह का, कितना डैमेज बाल हो रहे थे मेरे, और आप अब देख सकते हैं बिल्कुल मैंने आपके सामने मशीन भी नहीं लगाई है, और आपने मेरे स्टार्टिंग में बाल भी देखे थे कितने डैमेज हो रहे थे, क्योंकि मैंने 3 मंथ्स कट नहीं किए थे, मैं यही वेट कर रही थी
कि ये थोड़े से लंबे हो और मैं आपको कटिंग सिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि मैम आप सेल्फ कटिंग सिखाइए, मैम आप सेल्फ कटिंग सिखाइए। तो आज मैं आपको सेल्फ कट लेके आई हूँ और इतना इजी तरीका है कि आप घर बैठे हुए कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी लेंथ की कि जहाँ आपको पकड़ना है तो आप जो जिस जितने छोटे आपको कट करने हैं आप उससे बड़ा ही लीजिए, क्योंकि अगर आप बड़ा काटोगे और बिगड़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट छोटा काटने की कोशिश करोगे तो बाल बिगड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा हेयर स्टाइल, और देखिए मैंने बिल्कुल मशीन नहीं लगाई है और मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि पाँच मिनट में आपका इतना हेयर कट भी हो गया 10 मिनट में, और सुंदर सा हेयर, देखिए हेयर स्टाइल, हेयर लुक कितना अच्छा बना है। आप इस तरह का अपने बालों को अगर चाहें तो घर बैठे हुए इस तरह से हल्की सी ट्रमिंग करके बालों में, बहुत इजी कट बताया मैंने कि आपको किस तरह से करने हैं, बिना मशीन लगाए हुए आप किस तरह का हेयर कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे का बहुत बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मैम आप फ्रंट कटिंग का सिखाइए, मैडम आप फ्रंट कटिंग का सिखाइए। तो फ्रंट कटिंग का मैं काफ़ी सारे वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, तो शायद आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। तो आज मैंने अपना खुद सेल्फ आपको फ्रंट कट काट के बताया कि इस तरह के लुक में आप फ्रंट कट किस तरह से कर सकते हो। तो कितना इजी है फ्रंट कट काटना, तो आप इस तरह का अपना लुक अपना सकते हो। चलिए नेक्स्ट टाइम मैं फिर कुछ वीडियो लेके आई हूँ। हाँ, आप नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, ये नंबर वन वीडियो है, इसका नंबर टू देखेंगे। इसमें मैं आपको अपने जो सिंपल बाल होते हैं इनको आपको मैं ओनली ड्रायर की सहायता से आपको कर्ल करके बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों को घर बैठे हुए किस तरह से कर्ल कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल बिना रोलर लगाए हुए। लाइट चल गई है, थोड़ा सा आपको मोबाइल में मिस्टेक दिखे तो मुझे बोलना नहीं, क्योंकि यहाँ लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैं काफ़ी छोटी सिटी से हूँ, तो छोटी सिटी में ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं इस कटिंग में किस तरह से हेयर ड्रायर से इन बालों को कर्ल कर लूँगी। अब आपने मेरा हेयर स्टाइल देख लिया, कट देख लिया कि किस तरह का कट मैंने किया है, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मुझे कि कटिंग कैसी लगी, और ये भी लिखिए कि आप लोग करोगे या नहीं। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ आपको सिखा रही हूँ तो आप करो। आपको पता है मेरे को काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम आप ऑनलाइन कोर्स भी सिखाओ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं ऑनलाइन कोर्स आपको ज़रूर सिखाऊंगी, सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें सिखाऊंगी, लेकिन मुझे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं अभी आपकी जो डिमांड हो रही है मैं उसको लेकर आती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं कि आपको छोटी से छोटी चीज़ बताऊँ, आपकी जो डिमांड हो रही है वो कंप्लीट हो जाए। जब आप, वैसे तो डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती, जितनी जितनी सोचूंगी उतनी ज़्यादा डिमांड आएगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अभी आपकी जो डिमांड के अनुसार मैं चल रही हूँ, फिर मैं ऑनलाइन कोर्स लेकर भी आऊँगी, सिस्टमेटिक तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाऊँगी, थ्रेड से लेके लास्ट हेयर स्पा तक सब कुछ सिखाऊँगी आपको। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक आप सीखते रहिए जो मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि यही सब कुछ उसमें है, सेल्फ कोर्स में जो, सॉरी, आपको जो मैं कोर्स ऑनलाइन सिखाने वाली हूँ ये सब कुछ उसमें है, लेकिन बस इतना अंतर रहेगा कि वो सिस्टमेटिक तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, और ये मैं बीच में कुछ भी सिखा रही हूँ, कुछ भी, तो बस, लेकिन आप सीखते रहिए। जब मैं ऑनलाइन कोर्स आपको सिखाऊंगी तो यही सब है, तो आपको डबल बार आप देखोगे ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, और आपको शायद सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही धीरे धीरे कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ है बार बार रिपीट करने से ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आप ध्यान रखिए, और चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका रोलर लेके आती हूँ। कल क्या हुआ था कि मैंने ग्रीन कलर का लाइनर लगाया था,